दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, देश में अब तक बढ़कर 12 हो चुके हैं ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज। दोस्तों शनिवार को महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक शख्स के ओमिक्रॉन संक्रमित पाए जाने के बाद रविवार को पुणे से सटे पिंपरी चिंच वार्ड में 6 और पुणे में एक ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज पाए गए हैं। साथ ही रविवार को दिल्ली में भी एक ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज पाया गया है। इस तरह से देश में अब ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। फॉरेन कंट्री से झारखंड आने वालों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस। दोस्तों झारखंड सरकार ने विदेशों से झारखंड आने वालों के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी किया है। नई गाइडलाइंस के तहत स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल उस व्यक्ति का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जाए ताकि जल्दी से जल्दी कोरोना के वेरिएंट का पता चल सके। खबरों को माने तो झारखंड में पिछले एक महीने में चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, जर्मनी, यूके, यूएस, थाईलैंड, वियतनाम, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, कनाडा, सिंगापुर, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों से लोग पहुंचे हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, पूर्वी सिंहभूम में भीषण सड़क हादसा, दंपति की मौत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में रविवार को भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। दंपति के साथ सफर कर रहे बच्चे को हल्की चोट आई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बहरागोड़ा के माटीहाना गुरुद्वारा के पास नेशनल हाईवे 49 पर हुई। इसमें कोलकाता से जमशेदपुर की ओर आ रही कार विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से जबरदस्त टकरा गई। दुर्घटना इतना भीषण था कि ट्रक ने कार को 200 मीटर तक घसीट दिया। घटना के बाद ट्रक के चालक व खलासी मौके से भाग गए। दुर्घटना में पति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल पत्नी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। साथ ही बेटा को हल्की चोट लगी है। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में 6 नए कोल ब्लॉक शुरू करने पर बनी सहमति। शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं राज्य के शीर्ष अधिकारियों, केंद्रीय खनन मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे पर कई नीतिगत निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में झारखंड स्थित 29 कोल ब्लॉकों को चालू करने पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि 9 कोल ब्लॉकों में से 3 कोल ब्लॉक में पहले से ही उत्खनन कार्य शुरू हैं। अब आने वाले कुछ महीने में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से केरेडारी, चट्टी बरियातु, बदाम तुबेत, टोकी सूद एवं लोहारी कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य शीघ्र ही चालू हो सकेगा। दोस्तों बड़ी खबर है, 13 एवं 14 दिसंबर को झारखंड के पारा शिक्षक सौंपेंगे मंत्री एवं विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। दोस्तों बड़ी खबर है, रविवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्य इकाई की बैठक मोराबादी मैदान में संपन्न हुई। मोराबादी में हुई बैठक में राज्य कमेटी के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव 2019 के पहले की प्रत्येक चुनावी सभा में सरकार बनने के 3 महीने के अंदर झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों को अस्थायी करते हुए वेतन मान देने का वायदा किया था, जो आज 2 वर्ष बीतने के बावजूद अभी तक पूरा नहीं हो सका है। पारा शिक्षकों ने कहा कि अब राज्य के तमाम पारा शिक्षक आश्वासन से तंग आ गए हैं। 12 दिसंबर से नियमावली को लागू कराने के लिए सांगठनिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पारा शिक्षकों ने कहा कि 12 दिसंबर को राज्य के सभी जिला कमेटी की बैठक, 19 दिसंबर को राज्य के सभी प्रखंड कमेटी की बैठक कर रांची कूच की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में सिपाही भर्ती में होंगे सबसे पहले शारीरिक परीक्षा। दोस्तों झारखंड में सरकार सिपाही भर्ती के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक परीक्षा होगी और बाद में लिखित परीक्षा ली जाएगी। साथ ही कहा है कि पहले की सरकारों ने पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए भी लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी थी, लेकिन अब की सरकार ने नियमों को बदल दिया है। नौकरी के लिए शारीरिक क्षमता, उसकी क्षमता और दक्षता को देखकर पुलिस की नौकरी दी जाएगी।
दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में मिले कोरोना के 35 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 35 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। साथ ही 12 लोग रिकवर भी हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार राजधानी रांची से 12, पूर्वी सिंहभूम से 10, बोकारो से 1, धनबाद से 4, गुमला से 1, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 5 कोरोना के नए संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। वहीं झारखंड में कुल कोरोना का मामला अब 3,49,317 हो गया है और कुल 1,71,04,920 सैंपल की जांच की गई है। बता दें कि झारखंड में कोरोना के 115 एक्टिव मामले हैं, जबकि कोरोना के 3,44,061 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अब तक झारखंड में 5,141 मरीज की मौत कोरोना से हो चुकी है। दोस्तों बड़ी खबर है, जैक ने बढ़ाई 9वीं एवं 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने फिर 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन और आवेदन भरने की तारीख बढ़ा दी है। परीक्षार्थियों को अब 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसमें 9वीं के लिए बिना विलंब शुल्क के 11 दिसंबर जबकि 11वीं के लिए 13 दिसंबर तक निबंधन के आवेदन लिए जाएंगे। वहीं लेट फीस के साथ 15 से 22 दिसंबर तक 9वीं का और 16 से 21 दिसंबर तक 11वीं का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। बता दें कि 4 दिसंबर को ही रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख समाप्त हो रही थी, जबकि 8 से 15 दिसंबर तक लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन होना था। देश में पिछले 24 घंटे में मिले 8,895 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना की स्थिति बीते कुछ दिनों के मुकाबले बेहद खराब रही। इस अवधि में 2,796 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो गई। देश में शनिवार मध्य रात्रि तक कोरोना संक्रमण के 8,895 नए मामले सामने आए हैं और 2,796 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 1,00,000 से घटकर 99,155 हो गई है। कोरोना संक्रमण के 8,895 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,46,33,255 हो गई है। इस दौरान 6,918 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही महामारी को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 3,40,60,774 हो गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण से 2,796 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4,73,326 हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की दर 0.29% है, रिकवरी दर 98.35% और मृत्यु दर 1.37% है। कोरोना के बढ़ते मामले पर केंद्र सख्त। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले की रोकथाम और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को इस मामले में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और मिजोरम के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी आगाह किया है। भूषण ने कहा कि इन 5 राज्यों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन को लेकर आगे की रणनीति बनाने की आवश्यकता है। साथ ही कोरोना के प्रसार और इससे जुड़ी मौतों को रोकने के लिए कोविड के उचित नियमों का पालन भी किया जाए। सीमा सड़क संगठन ने 354 पदों पर निकाली वैकेंसी। सीमा सड़क संगठन ने अपनी आधिकारिक साइट पर बीआरओ भर्ती अधिसूचना जारी कर 354 वाहन मैकेनिक और अन्य पदों पर बहाली के लिए आवेदन मांगे हैं। जिन पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की गई है वे हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर, मल्टी स्किल्ड वर्कर, व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर मैक। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर अधिक जानकारी पा सकते हैं।
बता दें कि कुल भर्ती में वाहन मैकेनिक के लिए 293 पद, एमटीएस के लिए 45 पद और चालक के लिए 16 पद हैं। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करने में इच्छुक हैं, वे बीआरओ भर्ती 2021 पर आधिकारिक अधिसूचना को विस्तृत रूप से देख सकते हैं। बता दें कि फिलहाल अधिसूचना की तिथि 4 दिसंबर 2021 जारी की गई है, लेकिन आवेदन की तिथि जल्द घोषित कर दी जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश के 7 राज्यों के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार जल्द ही देश के 7 राज्यों में 12 से 17 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत करेगी। केंद्र ने इन राज्य सरकारों से कहा है, ऐसे जिलों की पहचान करें जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही बच्चों के टीकाकरण पर गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। इसके साथ ही भारत दुनिया भर के उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है, जायकोव डी को पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा। सरकार ने जायकोव डी के 1 करोड़ डोज का